जो मेरा YouTube पे जो पुराने लेक्चर्स हैं वो उसमें मेरा चेहरा मेरा बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रहा है, उसमें सिर्फ कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है। तो बच्चों को ना जब तक टीचर का वो रुतबा वो आव भाव वो सामने नहीं आता ना, तो कितनी बार क्या होता है कि बच्चा उसको फील नहीं कर पाता, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड जो आपको पढ़ा रहा हूँ इट्स क्वाइट क्वाइट आई शुड से सिंपल क्वाइट नोन टू यू, यू आर वेरी फैमिलियर टू इट, बट द वे आई एम गोइंग टू पुट दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू इज क्वाइट नोविस। मतलब आप थ्रिल्ड महसूस करोगे कि अच्छा ये चीज है, ऐसा महसूस होगा आपको। तो जरा फोकस करिए और देखते हैं कि क्या है। हमारा टॉपिक है एक्सिलरेशन, लिखना नहीं अभी आपको, व्हाट इज एक्सिलरेशन। तो क्या समझते हैं आप एक्सेलरेशन के बारे में? टॉपिक का नाम तो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यही आपको पढ़ाया गया है 9th और 10th क्लास में और यही आप जानते हैं, इससे बियॉन्ड आपको पता है इसके बारे में कुछ खास नहीं है। मैं आपको पहले फील कराता हूं कि ये एक्सेलरेशन चीज है क्या। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि याद होगा तुम बहुत छोटे थे, छोटे बच्चे थे तुम, और सपोज करो तुम्हारा अंकल चाचा काफी लंबा लंबा था और लंबी टांग थी उसकी, और तुम उसकी उंगली पकड़ के चल रहे थे। तो जब तुम्हारा चाचा धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया और जब चाचा तेज हुआ तो तुमको क्या करना पड़ता था? चलने के बजाय चाचा के साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ता था, भागना पड़ता था, यस राइट। ऐसा होता होगा, दैट मे बी चाचा, दैट मे बी मामा, दैट मे बी एनीबडी। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर कोई बॉडी जा रही है, मान लिया जाए अभी किसी स्पीड से जा रही है और अभी 1 सेकंड में यहाँ गई, यहाँ तक पहुंची, अब अचानक उसको पता चला कि यार इतना जो बाकी का टाइम 4 सेकंड ही है और 4 सेकंड में मुझे पहुंचना है, बट डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना है, तो वो क्या करेगा बंदा? अपना स्पीड बढ़ाएगा। भाई इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1 सेकंड में और एक रफ्तार से जा रहा था, अब अचानक उसके सामने कि 4 ही सेकंड में आपको इतना, तुम कहोगे सर ऐसे करो 1 सेकंड 1 सेकंड, तो ये तो बहुत, चलो तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, लेट सपोज हियर मैं बोलता हूँ 4 सेकंड में उसको इतना ट्रेवल करना। अब अगर ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड लगाएगा तब तो यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा। अगर 1 सेकंड में इतना ट्रेवल करता है और अगले 1 सेकंड में भी उतना ही ट्रेवल करे, और फिर अगले 1 सेकंड में उतना ही ट्रेवल करे, फिर अगले 1 सेकंड में उतना ही ट्रेवल करे, फिर 1 सेकंड में यहाँ, तो यहाँ तो नहीं पहुंच पाया ना अगले 4 सेकंड में, तो कंफर्म हो गया ना कि उसको क्या करना पड़ेगा, लाउडर बोलो, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड जो है अभी यहां पे सपोज कर लो ये था 1 मीटर पर सेकेंड, तो डेफिनेटली अब यहां से इसके बीच में उसकी स्पीड वाई मीटर पर सेकेंड होगी, आया ना, वाई मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाना पड़ गया। अब क्या स्पीड ऐसा होता है क्या? आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, यू जस्ट लुक एट मी, राइट। मेरा पॉइंट ये है कि अब क्या ऐसा होता होगा क्या, क्या ह्यूमन का स्पीड इट इज लाइक अ बटन, जैसे रिमोट होता है और आपने देखा टेलीविजन पे अपने फट से ये किया तो ये चैनल बदल के दूसरा आ गया, तो क्या ह्यूमन का स्पीड ऐसा होगा कि आपके अभी चल रहा है एक्स तो लो जी 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। ह्यूमन अपना स्पीड ऐसे तो बढ़ा नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ाता होगा, यस मतलब जितना चल रहा था उसे थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज, और फिर अपने स्पीड को बढ़ाता होगा। और अगर और डिस्टेंस जो बचा है और उसके पास टाइम कम है तो वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, और दौड़ने के तहत भी क्या करेगा, अपना स्पीड बढ़ाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब आपके दिमाग में अभी तक अपनी बातों से मैंने जो चित्रित किया, मतलब फिगर बनाया या मूवी बनाई आपके दिमाग में, उसमें आपके आपके पास क्या चला? बात यह है कि एक बंदा अपना स्पीड बढ़ा रहा है और स्पीड बढ़ाने का उसका मकसद है कि उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ट्रेवल करना है, और अगर वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जाना चाहता है तो वो उतने टाइम में वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, चाहे जो भी वजह हो उस डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रेवल करने के लिए उसको स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है, वॉट एवर द रीजन। लेकिन स्पीड जब बढ़ा रहा है तो वो सडनली, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी 2 पे था अब 5 पे आ गया, 5 से वो 10 पे आ गया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो जब वो स्पीड बढ़ा रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा है जिसका, उसमें हम दो तरीके से चीजों को देख सकते हैं। अच्छा अभी अभी कितना स्पीड बढ़ा, एक
और दूसरा देखिए, अच्छा अभी स्पीड इतना था, अभी स्पीड इतना हो गया, इस बीच में स्पीड कितना बढ़ा, यानी कि एवरेज चेंज बढ़ा, तो दोनों बातें हो गई। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब यू आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग योर स्पीड, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर स्पीड, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग योर स्पीड, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो कि आपको रोकना भी हो। यस, तो अगर आप इंक्रीजिंग स्पीड के प्रोसेस में है, डिक्रीजिंग स्पीड के प्रोसेस में है, तो आप अपना स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे होंगे, चाहे जैसे भी चेंज कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपका चेंज इन स्पीड किसी एक इंस्टेंट पे पड़ा जाए, और हो सकता है आपका चेंज इन स्पीड किसी इंटरवल में पड़ा जाए, राइट? अब भाई ये जो चेंज इन स्पीड एट अ इंस्टेंट है और चेंज इन स्पीड इन अ प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम है, ये दोनों दो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी एक है, क्योंकि ऊपर क्या है चेंज इन स्पीड और नीचे क्या है टाइम, तो क्वांटिटी एक है, बट उस क्वांटिटी के कंडीशन बदलने से वो क्वांटिटी के टाइप बन जाएंगे। तो वो क्वांटिटी क्या है जो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम है, उस क्वांटिटी का नाम है एक्सेलरेशन। बहुत सारे बच्चे एस्केलरेशन पढ़ते हैं इसको, सो डोंट डू दैट मिस्टेक, इट इज एक्सेलरेशन, राइट? एस्केलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन। सो दिस इज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज इट? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। अब जरा गौर से देखो, मैंने यहां पे जो आपको पढ़ाया चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ये पढ़ाया चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, क्या टाइम टेकन, यही चीज तो आपने पढ़ी है क्लास 9th में या 8th में, हो सकता है कोई अच्छा टीचर मिला होगा 8th क्लास में पढ़ा दिया होगा, और हो सकता है 9th क्लास में आपको यही पढ़ाएगी। तो 11th क्लास में फिर नया क्या है सर, इसमें नया तो कोई बात ही नहीं है, तो आप जानते हैं पहले से। भाई साहब ये एक्सेलरेशन जो आपको बताया गया, ये इट इज समथिंग लाइक बच्चों को बहलाया जा रहा है बाय टीचिंग दिस, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको एक्सेलरेशन की तरफ ले जाने के लिए, ताकि आप एक्सेलरेशन के बारे में सोच सके, इसलिए ऐसे स्टार्ट किया जाता है। इस तरह का नाम, अब जरा सोचो, तुम सब लोगों ने थोड़ा बहुत तो जानते होगे यार एक फॉर्मूला, मतलब ये रटा दिया जाता है हमारे को, F is equal to M into A, yes or no? हाँ या ना, हम सब लोगों को ये पता है, राइट? F is equal to M, नई बात सामने लेके आ रहा हूं, F is equal to M। अब अगर मान लो कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा? जीरो। और एक्सेलरेशन क्या लिखा हुआ? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो आप एक बात बताओ, मान लो कि आप एक सर्कुलर पाथ पे, कैसे पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, 10 मीटर, चलो 2 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर एक बंदा 1 मीटर पर सेकेंड से इस पे चक्कर लगा रहा है, तो उसके स्पीड में कोई चेंज है? स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो स्पीड में चेंज में नहीं है, तो फिर चेंज इन स्पीड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो। कहोगे हाँ सर, हम कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, तो हम पे कहाँ कोई फोर्स लग रहा है। अब जरा इसी बात को थोड़ा बदल दिया जाए, कैसे? ये एग्जाम्पल लिया जाए, ये एक धागा और इस धागे में लगाया यहाँ पे एक मास, और अब इस मास को मैं बोलूं आप इस तरीके से यहां से पकड़ के आप इसको क्या करिए? घुमाइए ऐसे, राइट? और कांस्टेंट स्पीड से बोला आपको घुमाने के लिए, तब बताओ कि जब आप इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाओगे तो क्या आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ या ना बोलना है। कितने लोगों के हिसाब से? नो, एक बंदा, ठीक है, राइट? तो जिसने ये बोला नो, वो यहां से देख के बता रहा है, क्योंकि चेंज इन स्पीड क्या है? जीरो, एंड एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको वाकई थ्रेड का एक कोना पकड़ा गया, थ्रेड के साथ दूसरी ऑब्जेक्ट लगा करके बोला जाए इसको घुमाओ, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लगाते हो कि नहीं लगाते हो? यार आप एक छल्ला लो मेरे पास एक चाबी है, ऐसे करके मैंने ये ऐसे लगा दिया इसमें, डू यू थिंक दैट, अच्छा इसमें रखता हूं, डू यू थिंक कि भाई मेरे को इसको घुमाने में फोर्स नहीं लगाना पड़ता होगा? लगाना पड़ता होगा कि नहीं लगाना पड़ता होगा? लेट्स टेक दिस एग्जांपल लाइक दिस, अगर मैंने ये पेन लिया और ऐसे रख दिया,
आपको क्या लगता है, मैं इसको कांस्टेंट अगर स्पीड से घुमाऊं तो इसमें मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है कि नहीं लगाना पड़ रहा है? कमाल है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट है और मैं इसको घुमा रहा हूं और मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो फिर इस डेफिनेशन का क्या हुआ है? तो चेंज इन स्पीड जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीड प्रैक्टिकली स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बट प्रैक्टिकली फोर्स लग रहा है। अब बताओ अगर ऐसी स्थिति है तो क्या ये जो डेफिनेशन पढ़ाया गया एक्सेलरेशन का वो सही है या गलत है? गलत है। दिस इज वाई वी नीड टू लुक एट व्हाट इज बीइंग टॉट हियर, राइट मैन, डोंट लुक एट द कैमरा, राइट। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है आपको कि देखो बेटा, ये जो आप जानकारी रख रहे थे, इस जानकारी से आप एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो ये एक्सेलरेशन का एक डेफिनेशन गलत है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। ये सही है बट किसी खास स्थिति में, हर स्थिति में ये डेफिनेशन सही नहीं है। तो हमें तो वो चीज पढ़ना होगा ना जो हर तरीके से क्या होगा, सही होगा। यू गॉट इट नाउ? So we need to know how acceleration should be actually defined so that it remains correct in all situations. देखो बच्चों, अभी आपने जो मैंने आपको acceleration का introduction किया, तो ये introduction of acceleration का video है। और अगर आप चाहते हो कि सर इसको आगे कैसे देखा जाए और कितना मतलब पूरा का पूरा topic देखना चाहते हो, तो उस video का link description में नीचे दे रखा है। आप उस video को के लिंक को क्लिक करिए और पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।